हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। और आज ये वीडियो एक काफ़ी सनसनीखेज वीडियो है, क्योंकि रिलायंस ने अब यह ऐलान कर दिया है पूरी तरीके से कि वो 999 रुपये में और 1500 रुपये में अपना 4G VoLTE पे आधारित फ़ोन लॉन्च करने वाले हैं। इसकी सूचनाएं अब इन्होंने जारी कर दी है। पहले तो ये अफवाह उड़ रही थी कि रिलायंस अपना ये फ़ोन लॉन्च करेगी या नहीं करेगी, लेकिन इन्होंने ये बात अब स्पष्ट कर दी है, स्पष्ट तौर पे स्पष्ट कर दिए कि अब ये फ़ोन अपना लॉन्च करने जा रही है। इसकी कुछ वेबसाइटों ने घोषणा भी कर दी है। जैसे ये वेबसाइट कहती है, रिलायंस जियो टू लॉन्च 99 VoLTE फीचर फ़ोन विद फ्री वॉइस कॉल टू अक्योर मिलियन ऑफ कस्टमर इन इंडिया। मतलब फ्री में वॉइस कॉल भी देगी इस फ़ोन के साथ, आपको फिर से एक वॉइस कॉल का लुत्फ़ उठाने का मज़ा मिलेगा इस फ़ोन के साथ। सबसे बड़ी बात क्या, ये फ़ोन 2G सपोर्ट भी होंगे 4G के साथ साथ। तो बिल्कुल जी, ये 4G सपोर्ट होने के साथ 2G को सिम को भी सपोर्ट करेंगे। और इनके प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिए, तकरीबन 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक इनकी प्राइस होगी। और इन फ़ोनों में आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, जो 1000 रुपये का फ़ोन है वो तो बिल्कुल ही बेसिक फ़ोन होगा, उसमें आप सिर्फ कॉलिंग का मज़ा उठा सकते हैं जो आपको रिलायंस फ्री में प्रोवाइड कराएगी। अब कितने महीने के लिए प्रोवाइड कराएगी ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन लगभग उन कस्टमरों को भी 3 महीने का मौका तो रिलायंस ज़रूर देगी, क्योंकि सभी को उन्होंने 3 महीने का मौका दिया है, तो इन्हें भी 3 महीने का मौका ज़रूर देना चाहिए। और यही गुंजाइश है। और जो रिलायंस तकरीबन 1500 रुपये में फ़ोन लॉन्च करने जा रही है, उसके अंदर वो थोड़ा स्मार्टफोन होगा, उसके अंदर आपको तकरीबन 3 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और कोई अननोन चिपसेट मिल जाएगा, जो होगा कम से कम 1.2 GHz के आसपास का प्रोसेसर होगा, 512 या 1 GB रैम हो सकती है उसके अंदर, और लगभग 1-2 MP का कैमरा होगा। लेकिन 1500 रुपये में स्मार्टफोन भी एक बड़ी बात होती है, तो ये जियो के लिए काफ़ी अच्छी बात है और कस्टमरों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे इससे रिलेटेड कोई भी नई न्यूज़ आती है हम आपको देंगे। और ये सिम और ये फोन कब लॉन्च होंगे, ये लॉन्च होगा 31 मार्च 2017 के बाद, ये फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जियो। जियो ने इसके लिए इंटेक्स को कार्यभार संभाला है, इंटेक्स को उन्होंने मौका दिया है फ़ोन बनाने के लिए। इंटेक्स इनके लिए तकरीबन 50,000 फ़ोन बना चुका है और वो लगा पड़ा है इनके चक्कर में कि और भी फ़ोन वो बनाए, क्योंकि 125 करोड़ की आबादी में फ़ोन बनाना इतनी आसानी सी बात तो होती नहीं है। लगभग इंटेक्स 50,000 फ़ोन तो तैयार कर चुका है, आगे देखते हैं कितनी जल्दी वो 2 महीने में और तकरीबन 125 करोड़ जनसंख्या है, तो लगभग उसे 25 करोड़ फ़ोन तो तैयार करने ही पड़ेंगे, तभी ये समाधान लोगों के पास पहुँच पाएगा। और क्या इसके लिए भी जियो लंबी लाइन लगवाएगी, तो ये सब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मेरी माने तो वो रिलायंस वही उसी तरीके से जैसे उन्होंने सिम बेचा था अपने डिजिटल स्टोरों पे, तो उसी तरह ये फ़ोन भी बेचने वाली है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इन फ़ोनों को ये ऑनलाइन भी बेचे ताकि ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और इससे जुड़ी जितने भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे हम आपको देते रहेंगे। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहें। इसी के साथ हम आपसे टाटा गुड बाय कहते हैं।